आखिरकार रामपुर पुलिस ने 36 घंटे में कैबिनेट मंत्री आजम खान की चोरी हुई सातों भैंसों को बरामद कर लिया। और आपको यह भी बता दें कि भैंसे चोरी हो जाने की घटना के मामले में लापरवाही बरतने पर तीन पुलिस वालों पर गाज भी गिरी है। वहीं मंत्री जी के मंडल में ही आदमखोर बाघिन पिछले डेढ़ महीने से पकड़ से बाहर है, तो आप तय करें कि बाघिन बड़ी या भैंस। अब तक हम सब कहावत सुनते आ रहे थे कि अक्ल बड़ी या भैंस, लेकिन यूपी में एक नई कहावत चरितार्थ हुई है, बाघिन बड़ी या भैंस। कहावत बदली तो उसकी जबान में भी बदलाव आया और भैंस को ही बड़ा माना गया। दरअसल पिछले डेढ़ महीने से मुरादाबाद से लेकर बिजनौर तक आतंक का पर्याय बनी आदमखोर बाघिन अब तक 8 लोगों का शिकार कर चुकी है, लेकिन पुलिस प्रशासन सुस्ताता रहा। तभी इस बीच कैबिनेट मंत्री आजम खान की भैंसे चोरी होने की खबर मिली और रामपुर का पूरा पुलिस प्रशासन न सिर्फ उसकी तलाश में जुट गया, बल्कि 36 घंटों के भीतर सभी 7 भैंसों को ढूंढ भी निकाला गया। उधर मंत्री जी के मंडल में बाघिन घूम रही है, लोग डर से परेशान हैं। बाघिन को पकड़ने या मारने के लिए शिकारियों और वन कर्मियों की फौज भी बनाई गयी है, जो उसे ढूंढने के नाम पर जंगलों का पर्यटन कर रही है। और वहीं मंत्री जी के तबेले से 7 भैंसे चोरी होने से लगा कि कोई सरकारी खजाना लूट गया हो। क्राइम ब्रांच समेत समूचा महकमा भैंसों को ढूंढने में लग गया। आखिरकार 36 घंटों के भीतर सभी भैंसे ढूंढ भी निकाली गई और सकुशल तबेले में वापसी भी हो गई। ताजुब की बात ये रही कि इस मामले में लापरवाही मानते हुए तबेले से जुड़ी एकता चौकी के दरोगा और 2 सिपाहियों को लाइन हाजिर तक कर दिया गया। लेकिन इन सब के बाद एक अहम सवाल सबके मन में है कि अगर इतनी तत्परता जन समस्याएं सुलझाने में दिखाई जाए तो जनता का कुछ तो भला हो ही जाएगा। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।